गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दिए गए इंटरव्यू के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि वो SIT ने जो कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की वो पुलिस और गैंगस्टर के बीच सांठ गांठ को लेकर संदेह पैदा करती है। अदालत ने लॉरेंस के 2023 में भटिंडा जेल में रहने के दौरान निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के नए सिरे से जांच करने के आदेश भी दे दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, पुलिस ने अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति दी और इंटरव्यू के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा दी जो अपराध को महिमा मंडित करता है। इससे अपराधी और उसके सहयोगियों के जबरन वसूली सहित दूसरे अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अदालत ने इस मामले में पंजाब के CM भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की भी खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और लपिता बनर्जी की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, निलंबित अधिकारियों में केवल 2 राजपत्रित अधिकारी थे जबकि बाकी जूनियर कर्मचारी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के मिली भगत के जरिए अपराधी या उसके सहयोगियों के अवैध रिश्वत मिलने के संकेत मिलते हैं। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध बनता है, इसीलिए मामले में आगे की जांच जरूरी। बता दें कि इस मामले में हाल ही में पंजाब पुलिस ने 2 उप अधीक्षक रैंक के अधिकारियों सहित 7 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया था। हालांकि अदालत ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व प्रभारी शिव कुमार की भूमिका पर चिंता व्यक्त की है, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन वे एक्सटेंशन पर बने रहे। अदालत ने रिमांड और पूछताछ के लिए बिश्नोई को बार बार खरड़ में CIA में स्थानांतरित करने के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया और राज्य को अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हमने पिछले आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अदालत ने पंजाब जेल के भीतर बिश्नोई के साक्षात्कार के संबंध में यानी कि इंटरव्यू के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से हलफनामा न दिए जाने पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि DGP ने ये क्यों कहा कि पंजाब की जेल में कोई साक्षात्कार नहीं हुआ और इसमें शामिल अधिकारियों पर आपराधिक साजिश अधिनियम की धारा 120 क्यों नहीं लगाई गई? विशेष पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार के नेतृत्व में विशेष जांच दल SIT ने स्वीकार किया है कि बिश्नोई का एक साक्षात्कार मोहाली के खरड़ में हिरासत के दौरान हुआ था जबकि दूसरा राजस्थान में हुआ था। इन निष्कर्षों के बाद 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई देश समेत दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई जांच एजेंसियां अलग अलग प्रदेशों में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की तलाश में जुटी हैं। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। वहीं लॉरेंस के पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।